नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल टू स्पेंड पर। मेरा नाम है दीपक और आप सभी जानते हैं हम तैयारी कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि MPTET ग्रेड थर्ड की, जो कि आपके अप्रैल में होना संभावित है। विषय हम पर्यावरण की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आज हमारा टॉपिक है जल। इसके चार वीडियो हम पहले कर चुके हैं, चार वीडियो में हमने 15-15 क्वेश्चन किए हैं, जिस हिसाब से हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए आज हमारा क्वेश्चन जो 61वां है, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए हैं या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भेजें, जिससे कि उनकी तैयारी बेहतर तरीके से चल सके। और इसी तरह से मैं आपकी तैयारी आपके एग्जाम होने तक टॉपिक वाइज करवाता रहूँगा। हर संडे को हम 30 क्वेश्चन का महत्वपूर्ण सेशन रखते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का PDF आपके पास संग्रह हो जाए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने दे रखी है। इसी के साथ हम नया हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 61, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। वह लवण जो कि जल को अवशोषित करता है उसको हाइग्रोस्कोपिक लवण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, सामुद्रिक कच्छपों को जीवांत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित है, ठीक है, बहुत पुराने समय से पृथ्वी पर उपस्थित है। कौन? सामुद्रिक कच्छप, इसीलिए इनको जीवांत जीवाश्म कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाली 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? हमें बताना है उन कच्छप में 5 तरह के, जो भारतीय उपमहाद्वीप में 5 तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं इन सामुद्रिक कच्छपों की, तो उसमें सबसे अधिक संख्या कौन से कच्छपों की है निम्न में से, जो कि नीचे दिए हैं। इनमें से केनेप्स रिडले, लांग रहेड, आलिव रिडले या फ्लेट बैक। तो आलिव रिडले की जो प्रजाति है सामुद्रिक कच्छप, इनकी संख्या भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे अधिक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ़ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ पिघल के महासागरों में आ जाती है, जिससे कि आपका सी का वाटर लेवल बढ़ जाता है। महासागर पृथ्वी के अधिकांश भाग पर आवृत है। कुल मिलाकर महासागर यानी महासागर मतलब पानी वाला एरिया, और मैंने पहले बताया था कि ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी को हम 4 भागों में बांटेंगे, तो 1, 2, 3 यानी 3/4 पार्ट आपका पानी का है और एक पार्ट आपका हम मान लेते हैं भूमि का, यानी 71% भाग पर पानी है, 29% भाग पर आपकी भूमि है। तो ऑप्शन नंबर पहला यानी 3/4 यानी 3/4 भाग पर महासागर है यानी कि पानी है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति है देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। कुल मिलाकर जो कील है वो डूब जाती है लेकिन कटोरी नहीं डूबती है पानी में, तो यहाँ पर इसको लोहा कर लीजिएगा, है ना, ये गलत हो गया टाइप। लोहा पानी की तुलना में हल्का होता है और स्टील पानी की तुलना में भारी। तो स्टील पानी की तुलना में भारी ये चीज़ तो हम नहीं बोल सकते, तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा होता है, यानी कि पानी के द्वारा लगाया गया बल, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम होता है, यानी पानी के द्वारा लगाया गया बल कील की तुलना में कम होता है। कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि कटोरी अपने वजन के बराबर पानी हटा देती है, इसलिए डूब नहीं पाती और कील जो है वो हटा नहीं पाती है, ठीक है, इसलिए वो डूब जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन, रेखा की माँ के लिए रोजाना तालाब से लाए गए पानी फिटकरी डालती है। पानी को रंगहीन, ये पानी कर लीजिएगा, पानी को रंगहीन करने, हल्के निलंबित उपद्रवों को अवसादित करने, कठोर जल में मृदु जल में परिवर्तन, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने और पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने। तो इन सबको यहाँ पुट करके देखना है फिल इन द ब्लैंक्स में कि वो रोज़ फिटकरी क्यों डालती है। तो हमने फिटकरी का उपयोग पढ़ा था कि हम फिटकरी पानी में इसलिए डालते हैं, तो इसका जो हो जाएगा, हल्के निलंबित उपद्रवों को अवसादित करने के लिए हम पानी में जो है फिटकरी डालते हैं। तो रेखा की माँ इसीलिए हल्के निलंबित उपद्रवों को अवसादित करने के लिए रोजाना तालाब से लाए गए पानी फिटकरी डालते थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, के लिए मछली घर यानी एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। हवा को साफ करने, जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध करने, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने और मछली घर की शोभा बढ़ाने। दोस्तों बता दूँ आपको, जो मछली वाला पानी होता है उसमें क्या होता है कि मछली घर में मछलियाँ होती हैं, मछलियाँ ऑक्सीजन लेती हैं यानी पानी ऊपर से ऑक्सीजन का उपयोग करके वो जीवित रहती है। ऑक्सीजन ले लेके पानी ऊपर से ढका रहता है एक्वेरियम का, तो उसमें ऑक्सीजन मिल नहीं पाती पानी में, इसलिए वो ऑक्सीजन रहित हो जाता है पानी, तो इसलिए मछलियों का मरना ज़्यादा, उनके चांसेस हो जाते हैं मरने के। तो उसमें क्या करते हैं, हम बाहर एक
एयर का उसमें फ्लो करने के लिए एक उसमें से पंप या मोटर लगा देते हैं, जो क्या करता है पानी में हवा के बुलबुले छोड़ता है बाहर से, और ऐसा एक क्रम चलता रहता है। और कभी कभी तो हम पानी को भी उसमें प्योरीफाई करके डालते रहते हैं। इस तरह के कुछ मोटर पंप लगा देते हैं उसमें, जिससे क्या होता है कि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाए और मछलियों से ऑक्सीजन लेकर जीवित रह सके, ना कि जलीय पौधों की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए, ये सही हो जाए जिससे मछलियाँ ना मरें। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। कुल मिलाकर कृत्रिम वर्षा कराने के लिए हमें निम्न में से किस पदार्थ यानी किस रसायन की आवश्यकता होती है? सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। तो हमने पिछली बार पढ़ा था कि सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है, तो हमने देखा था कृत्रिम वर्षा के लिए पिछले जो क्वेश्चन किए उसमें। तो सिल्वर आयोडाइड इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, जिसका उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है। यहाँ पर ये वर्ष कर लीजिएगा, आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी वीडियो बनाया, इस कारण से जो है कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। और ये UPTET ये हटा दीजिएगा, ये कल की वीडियो का आ गया। मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि आज जो हम क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, क्वेश्चन आप UPTET जुलाई नवंबर 2011, CET जनवरी 2012, यानी हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए थे। हमने MPTET के इसलिए लिए क्योंकि वो बहुत पहले हुई थी और एक एग्जाम हुई थी, हम प्रीवियस ईयर के कोई से क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं, वो हम कर लेंगे। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट में अंदर तक दाग झाँकी, यानी कि मच्छर के बारे में जो मलेरिया का पता लगवाया था, वो कौन से वैज्ञानिक थे? तो हमने पिछले उसमें किया था, उनका जो नाम था वो था रोनाल्ड रॉस, है ना, उसी को घुमा फिरा के यहाँ पर दिया गया है कि 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि रोनाल्ड रॉस जो है उनको मलेरिया वाले अनुसंधान के लिए किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो हमें इससे 2-3 क्वेश्चन हमारे कवर हो जाते हैं। स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था स्पर्श गंगा अभियान कहाँ उत्तर प्रदेश में चल रहा है ऐसा बताया था, तो हमने उसको गलत कर दिया। क्यों गलत कर दिया? क्योंकि उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था। और क्यों हुआ था ये भी बताया था, वो गंगा की स्वच्छता के लिए स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमने पिछले वीडियो में सत्य कथन असत्य कथन चुनिए उनने पूरा कर लिया है। तो स्पर्श गंगा अभियान उत्तराखंड से स्टार्ट किया था गंगा की स्वच्छता के लिए। मिनी माता रोग प्रदूषित जनित रोग जो परिणाम, ये क्वेश्चन हमने पिछली बार इस तरह से कवर किया था कि मिनी माता रोग होने के लिए निम्न में से कौन सा तत्व जो है वो दोषी है, या फिर कौन से तत्व के कारण ये मिनी माता रोग होता है। तो इसमें हम पहले पढ़ते हैं, समुद्र में बिखरे तेल, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने पर, औद्योगिक पारा अपशिष्ट पानी में छोड़ने पर, और मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पीने पानी में छोड़ने पर। तो हमने पढ़ा था जो पारा यदि पानी मिल जाता है तो उस कारण जो मिनी माता रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा वो सही हो जाएगा, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत स्टार्ट की गई, मतलब शुरू की गई? तो पानी पंचायत जो है वो सबसे पहले महाराष्ट्र में स्टार्ट की गई थी। जो अभी हमें स्पर्श गंगा अभियान पढ़ा था उसका जो दूसरा कथन था उसमें ये लिखा था कि महाराष्ट्र में कहाँ जो है पानी पंचायत महाराष्ट्र में शुरुआत की गई, तो हमने वो कथन को सत्य बताया था। तो ये वही क्वेश्चन है, भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है? पारंपरिक फसलों का उगाया जाना, धान और गन्ने के उगाने के लिए क्षेत्रफल बढ़ाया जाना, पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना, औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाना। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना। मृत सागर क्या है? आप सभी जानते हैं सबसे अधिक लवणीय सागर है हमारा मृत सागर, ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों ज़्यादा नमकीन है, ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटा बहुत तीव्र गति से आते हैं, ऐसा सागर जिसमें जहाज चलना खतरनाक है। तो ये सबसे लवणीय यानी इसमें सबसे ज़्यादा नमक की मात्रा पाई जाती है अन्य महासागरों की तुलना में। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है लास्ट और अंतिम, एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल का स्तर एक समान रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा, और इनमें से कोई नहीं भी एक समान रहेगा। ठीक है, चुटकी भर नमक से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 15 पानी से संबंधित IMP क्वेश्चन, कल हम 15 क्वेश्चन करके 90 क्वेश्चन इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। आप इन क्वेश्चंस के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसी तरह हमारी जो सीरीज है जारी रहेगी। अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।